हाय यूट्यूब फैमिली, राम राम। कैसे हो? ठीक हो? मैं तो सही हूँ। आप लोग सब ठीक हैं? और हमारे ब्लॉग में आप लोगों का सबका स्वागत है। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और आज हम बनाने वाले हैं मोमोज। और चलो बनाते हैं, शुरू करते हैं। चलो देखना कि कैसे बनाते हैं, है ना? अनु आएगी अभी ऊपर से। क्या करके आएगी अनु? कुछ नहीं करके आएगी अनु, बैठ के आएगी एसी में से। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना इसलिए। तो अभी शुरू करेंगे बनाना। अभी काचू आ रहेगी ऊपर से, चटनी बना के ले आ रही है अभी। और मोमोज इधर नीचे ही बना लेंगे क्योंकि मिक्सी ऊपर रखी है इसलिए। पहले सब्जी काटेंगे जब शुरू करेंगे बनाना, ठीक है ना? काचू टमाटर उबाल लगी चटनी के लिए। क्या क्या? टमाटर है और लाल सूखी मिर्च है, उबाल लगे चटनी के लिए। मोमोज बनाएंगे ना उसकी चटनी के लिए। काचू पे टमाटर उबले गए और मिर्च उबले हैं, चटना मिर्च आज पीस आएगी तब चटनी बनेगा। ठंडे जाने थोड़ी गर्म है। सब्जी घिया कस करेंगे मोमोजन के लिए। गोभी और प्याज गाजर सब डल दिए। लेकिन गाजर मने कर रही है, काफी बोल रही है कि मीठे से हो जाते हैं इसलिए गाजर ना डाल ले। गोभी और प्याज डालना है केवल। कासू आ जाएगी ऊपर से। एली चलेगी उसके पास। एली तो अल्प हो जाती है ऊपर। दो पीस कर लूँ मैं। ऐसे लग रहा है इसमें तो। ऐसे सारी कर लेंगे। तो इसमें दिखाना, इसमें तेल डालकर फिर हमें ये वाली जो चटनी है, ये वाली इसमें डालनी है, जिससे चटनी बनेगी। पता नहीं कितना तेल डालना, कुछ डाल रहे हैं, मजा आ रहा है। मम्मी से पूछ के अपनी मर्जी से डाल सकते हैं जितना भी, पता नहीं ज़्यादा ही डाल दिया। ज़्यादा ही वो शेट। अब इसमें ये डालना है दूध का, एग लग रहा है पूरा। नहीं कमी है, हटना बंद करना इसको। हमने कच्चे तेल में डाल दिया, हमको ये मजा आ जाएगा। टमाटो सूप लग रहा है। वो रहा था, वो बहुत कम डाला था उसमें तेल, ऊपर उठा। इट्स ओके। क्या कर रही है? अरे आप तो रहने दो, एली अच्छी है। ये अभी उबलने लग गई, इसके अंदर हमें डालना है नमक और फिर चीनी। चीनी क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्च है, कम ही डालना है। फ्रेंड नमक पता नहीं स्वाद अनुसार। वाओ, हमारा स्वाद कितना है हमें नहीं पता। हम बस भर देंगे, कम लगेगा बाद में डाल देंगे। और फिर चीनी मज़ेदार अनुसार भर के डाल दूँगी। ज़्यादा अच्छा, इतनी चीनी बाकी देखिए। इधर देखा, अब हमारी चीनी मेल्ट हो रही है। उसका तू कभी अपने जीवन में नहीं कर पाएगा भाई। अभी ने मेरे खोपड़े का एक चप्पल लगाई है, चप्पल नहीं लगाई, थपका दिया उसने। देखो थपका, थपकी क्या रही थी मम्मी। इसमें सारे लहसुन तो पिसे ही नहीं है। हाँ ना, ए रख रख। ये भी हमारी चटनी बन गई है, बढ़िया बन गया। पता और मम्मी रो रही है क्योंकि उन्होंने प्याज काट दी है। प्याज जो हो गई देखो, अब ये भुनी जा रही है ना, फ्राई हो गई। हाँ, आज भी बहुत प्याज लग गई है। मेरे भी लग रही है। आप पंखा क्यों चला दिया? मैं तो अरे एग्जॉस्ट ऑन है। अब जा रहा क्यों मैं? मम्मी जा रही फ्राई करवे। चलो मम्मी एग्जॉस्ट चला दे। ठीक है। सब
सब्जी फ्राई करेंगे रखेंगे थोड़ा सा ऑयल डालें और तो उसमें थोड़ा सा जो गर्म हो जाए जब डालेंगे। अब ये गर्म हो गया है अब इसमें डालेंगे अभी आराम यहाँ करके खाएंगे। ये चावल बना रहे? चावल नहीं है वे वो है बंद गोभी और चावल प्याज। तो तुमने आज तक देखे ही प्याज भात आंसू सब जान गए क्या तो आलू बता देती है सब चीज। ये काली मिर्च धनिया धनिया और नमक स्वाद अनुसार नमक मिर्चा भी डालो थोड़ी सी ठंडा करेंगे जो ठंडे हो गए आटा लगा देंगे। लहसुन की चटनी बनी रखी है यहाँ आटा लगा दो जब मैदा मैदा माड़ के रख देते जब तक वो ठंडी है रही जब तक मैदा माड़ दो 10 मिनट तक रखी जाएगी ऐसे जब तक गेहूँ सेट हो जाएगी थोड़ा सा घी डाल दो इसमें हाथ अच्छी तरह से साफ करके और जब मैदा लगाऊं आपने तो करे नहीं है करके आएगी अभी मैं अभी धोए थे तेरे सामने धोए थे अभी मैंने तो नहीं देखा। जन्नू बहुत ज्यादा झूठी हो गई है ना हाँ झूठी बोलती रहती है अभी सामने धोए थे मैंने हाथ इसके मुझे कुछ दिख रहा था आंखों में मिर्च लग रही थी मेरे वाह थोड़ा सा टैग लगो जा रहा है जन्नू बनावेगी अभी मैं क्यों बनाऊंगा आटा तो आटा लग गया है हमारा नहीं देखो अब थोड़ी देर रख लीजिए इसे रखने देते हैं जब तक सही हो जाएगा और जब तक वो ठंडा हो रहा है तब बनाना शुरू करेंगे जब तक ढक के रख दो इसे। ओके अनु ठीक है नहीं अब हाथ धो रहे हैं अब क्या फायदा है पहले भी धो लेते हैं छोटे बंद बोलो करें शुरू करेंगे इसमें तो पानी गर्म हो रहा है गैस कम कर दे का सुबह भी होता है वो इट रहा था अब छोटी छोटी जी लोई करेंगी जा कलरिंग देख लिया मतलब कलरिंग बोलती हूँ इतना देख देख कितना भर रही है फट जाएगा ये ठीक है मोज है ऐसे करके ऐसे देख लीजिए कितना बड़ा बनाया बहुत ही वाइट अच्छा कलर का बनाया दीदी अच्छा बनाएगी है ना नहीं मेरे को आ जाएगा ट्राई करने में क्या जा रहा है चलो ये कैसे बताया ऐसे नहीं था ऐसे ही था नीचे रख के कर लो कैसे बढ़िया ऐसे ही बनाया था मुझे सब सिखा रही थी ¿Qué?
स्टीम करेंगे। घी इस पर कैसे पता चल रहा है कौन सा मेरा? ये तेरे पावर, ये वाले भी मेरे हैं, ये भी मेरा है, नहीं ये गेंडा भी मेरा है, देखिए बड़े वाले की चिपक जाएंगे दूर दूर। और ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। इतने मिनट तेरा नहीं, 15 मिनट थोड़ी, इतना नहीं ज्यादा नहीं कर, थोड़ी सी नहीं कर। अब और भी बना रहे हैं ऐसे ही हैं, फिर करेंगे स्टीम करेंगे। अनु आइस टी बना रही है, इसके अंदर पानी के अंदर ठंडे पानी के अंदर और बस ये पाउडर डालना होता है तो आइस टी बन जाती है। बस छोटा ही है ये आइस टी, इस पाउडर से बनता है। गलत चॉइस करी मैंने ग्लास की, ये मेरी है और डाल दो, ये बहुत सारा डालना पड़ता है, बस मीठा हो जाएगा दोनों मत को। और इसके अंदर आइस डालनी होती है। भैया को दे दे आप, ओनली आइस नो टी। ये मेरे में टी टी नो आइस। छोटी नहीं है, ओह माय गॉड, मैं पकड़ेंगे कैसे हैं बने, गैस कम करते हैं ना। हाँ अभी हमें इसमें ही खा लेंगे एक में, ठीक है? नहीं तू भी इसमें ही खा लियो। नहीं जी बन गए, देखो मैं क्या जल्दी चल अपने बना हुआ ले जल्दी। चार हो गए। तूने सारे बड़े बड़े लिए है ना, तू है तू पता ना कभी मेरे पास नहीं है, ऊपर होगी, मैं नहीं जा रहा ऊपर। रखी अभी रखी है, मैंने रखी है। अच्छा दो दिन की होती पार्टी, देखो खाऊ तेल पर ऐली बैठी के संग देखो ये बैठ। दी ज्यादा मिर्च तो नहीं है इसमें चटनी में? ऐली भी खा रहे हैं क्या खास में? गरम तो नहीं दे दिया ऐसे? मैं ना खा रही हूँ बस कच्चा, और उसको अलग मिर्च खास में चटनी अच्छी है। मेरा अच्छे बने वो जो कासू ने चटनी बहुत बढ़िया बनाई। ये देख तैयार बैठ के एली के खाए बोले। हाँ एली की आंख भी क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। देखो पायल जैसी जगह ले, वो कॉन्स्टिपेशन बोल ली है। तो बता दो, तो आदि ने अपनी आइस टी, मैं बताता हूँ इसके जैसा किनेटिक मिल रहा है ऐसे करके, फिर उल्टा करके बोलता है मैंने बहुत बढ़िया वो निकाला है ऐसे ऐसे करके घोल रहा। फिर देखी चीटी मरी हुई है इसके अंदर, मम्मी वहां से आई, मम्मी ने ना मम्मी ने देखा कि बढ़िया चीज रखी हुई, मैं भी पी लेती हूँ, आके पी ली उसकी गिनेट ऐसे ऐसे कर दी। फिर बोलती अच्छी नहीं लग रही, कैसे अच्छी लग रही, चीटी मरी हुई थी उसके ऐसे हाथ खुले हुए पान लगी गई थी। हां एकदम डर्टीएस्ट थिंग मिली मम्मी ने अपने जीवन की, छी गिनेट दबी तो मम्मी को भी बोल के फ्लैश बैक आ जाए उनको मार। पहली नहीं मैंने कर रही, मैंने नहीं बोला है। तेन बड़ा गिलास लेके आएगी, देख दारू पीते हैं, दारू पी रही है बहुत माल लग गई। तो पी भी सकती है 18 के ऊपर नहीं पी सकते, 21 के पी सकते हैं। कंट्री में 18 होता है, कभी नहीं पी सकते। क्या हो गया?
दूर रहो, कासू के तो फंदा लग गया। कासू को क्या हो गया देखो फैमिली क्या कर रही है कासू, क्या हो रहा है कासू ने क्या खा लिया है क्या खाया है कासू? मम्मी देखो ये दिखाओ ये हुआ है क्या उसके मुंह मिला थी आयशी मम्मी मेरी मछली मिला दी आप उसे चबा गई उस आइस को खा गई अब क्या फायदा तो नहीं है इसको अब कुछ नहीं हो गया चल कोई बात नहीं उसमें घोर भी ज्यादा सुना नहीं सांझ भी दोयोगे से जा रहा है काश में तो सब घोर गार के सब पिला दी तो देखिए अभी कुछ आगे अभी तो देखिए चल रही है उसे टैग देती है कुछ कोई बात ना रो मत है कोई बात नहीं इसकी शक्ल देखो इसके नेट की पीली इसकी शक्ल देखो कोई बात नहीं है मत रो चुप है ऊपर डाइनिंग टेबल अब क्या हो रहा है बैठ के कुछ नहीं और ये दोनों इधर बैठे हैं और क्या नींद आ रही है फिर तो फैमिली देखिए कासू क्या कर रही है क्या हो रहा है कासू कुछ नहीं हो रहा है कासू ने अभी उंगली काट ली है उसमें दर्द हो रहा है उसके नींबू काट रही थी उंगली संग काट ली उसने तो सब लोगों ने मोमोज खा लिए और अच्छे बने थे कासू ने चटनी बहुत बढ़िया बनाई थी लेकिन मोमोज भी अच्छे बने थे सब लोगों ने खूब खा लिया सबका पेट भरेगा और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म कर रहे हैं आगे आपके लिए नया व्लॉग लेके आएंगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है कासू कासू की लग गई है उंगली में कट गई है उंगली कासू की चलो तो गुड नाइट बाय 11:30 बज गए रात के बाय 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 बाय।